सत श्री अकाल पी टी सी वेखने वाले साडे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल अमित मल्होत्रा लैके हाजिर हाँ अज की एक खास पेशकश की समझिए। सब तो पहला तुहानू जो खबर विखाउण जा रहे हैं वह वाकई च हैरान कर देने वाली है, होश उड़ाउण वाली है। लुधियाना तो निकल के आई है खबर सामने, जिथे कारां दी रेस लाउण दा शौक रखना नौजवानों नू काफ़ी महंगा पै गया। इन्होंने अपना नुकसान तो करवाया सो करवाया, नाल ही होर लोगों का भी वड्डा नुकसान करता। किवें विखाउने तुहानू एक रिपोर्ट दे राही। हुण तुहानू जो खबर विखाउण जा रहे हैं वो तुहाडे भी होश उड़ा के रख देवेगी, तो सोचण लई मजबूर कर देवेगी कि आखिर यह हो की गया। तारीख 13 जून 2021, वक्त देर रात का। कोई सड़क ते सैर कर रहा है, कोई दुकान ते समान खरीद रहा है। पहली नज़रे तो सब कुछ आम वांग ही लगता है, पर शायद इन्हां लोगों नू भी इस गल दा अंदाजा नहीं सी कि चंद सकिंटां च ही उन्हां दीआं अखां सामने कुछ अजिहा होने वाला है जिसनों वेख के इन्हां दे होश उड़ जाणगे। क्योंकि अचानक एडिटर साहब वीडियो जरा एक बार मुड़ तो विखायो कि किवें तेज रफ्तार गड्डी हादसे का शिकार हो जाती है। वाकई यह हादसा बेहद भयानक सी। जिवें यह हादसा वापरिया तां आसपास दे लोग बाहर आने शुरू हो गए, सब हक्के पक्के रह गए कि आखिर इत्थे हो की गया। हुण दूजी तस्वीर वेखो, गड्डी दे पर खच्चे उड्डे पए ने, मोटरसाइकिल बुरी तरह टुट गया, कई गड्डियां नुकसानियां गईयां ते एक नौजवान बेसुध हालत च सड़क ते पिया है। इस हादसे की भी वजह उही सी तेज रफ्तारी। तां ही तां सियाणे कहिंदे ने तेज रफ्तारी मौत की तैयारी। दरअसल तस्वीरां ने लुधियाना शहर दियां, जिथे भयानक हादसे कारण कई लोगों का नुकसान हो गया, किसी की गड्डी का नुकसान होया ते किसी की दुकान का। एक नौजवान नूं तां इसकी कीमत जान दे के चुकाउणी पई। हादसे दौरान मौजूद लोगों मुताबक दो गड्डियां विचाले रेस लगी हुई सी, दोवें गड्डियां बेकाबू हो चुकी सन। इस कारण यह वड्डा हादसा वापरिया। लोगों का यह भी कहना है कि गड्डियों कई तरह का नशीला पदार्थ भी बरामद होया। दो बंदे रेसा ला रहे थे, ठीक है जी, इन्हू कट मार के निकल गया जी। हाँ। इधर लग गई जी, उन्हें साडा बंदा मूहरे एक्सीडेंट करके जी मारता मारता, उनकी मौके से डेथ हो गई जी। उन्हें डेलो सिविल अस्पताल लेके गए। गड्डी दे विच तुसीं की देखिया? हुण गड्डी दे विच जी गिलास पिया, बोतलां पईआं जी, चिप्स पए ने जी। दसो तुहाडे हिसाब नाल इह गड्डी दे विच किन्ने बंदे मौजूद सी? 3-4 मौजूद सी। 3-4 हुण उहनां दे विचों किन्ने बंदे इत्थे अरेस्ट होए आ जी? साडे कोल तां कोई अरेस्ट नहीं होया जी, सिर्फ जिहड़ी ओह फॉर्च्यूनर ने एक्सीडेंट कीता जी, ओहदा बंदा अरेस्ट आ जी। आपां फड़िया बंदा विचों दी गिलास कढ़दा होया, ठीक है, रंगे हाथी फड़िया। ठीक है जी। कई गल उस तों बाद दो बंदे हमायत करके इस मामले बारे जो पुलिस के नाल गलबात की गई तो उन्होंने एको जवाब सी, जो हमेशा होंदा है, जनाब मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਖੰਭੇ 'ਚ ਵੱਜੀ ਖੜੀ ਆ, 2-3 ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀਆਂ, 2-3 ਨਾਲ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹਾਂ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ, ਨੰਬਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਡਰੈਸ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਸਰ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि शराब पी के गड्डी ना चलाओ, पर नौजवान नशे च धुत हो के अजिहे कारे करन तो बाज नहीं आते, जिस कारण उन्हों का अपना तो नुकसान होंदा ही है, नाल ही महज 2-4 मिनट के मजे लिए किए गए कारे कारण कई होर लोगों नूं भी नुकसान चलना पैंदा। पीटीसी न्यूज़ लुधियाना दे लई विनय दुआ दी रिपोर्ट।
अगे वध्या ते हुण तुहानू सरकारी दावियां दी हकीकत विखाउण जा रहे हां सी। सरकार लगातार दावा करती नहीं थकती कि किवें सरकार ने सूबे दे ज़्यादातर स्कूलों नू स्मार्ट स्कूल बना के रख दिता है, पर पीटीसी न्यूज़ के कैमरे च तां कुछ होर ही तस्वीर कैद हुई ने। तुहानू एक अजिहे ही स्मार्ट स्कूल के दर्शन करवाउंदे आ जिथों दियां 5-स्टार सहूलतां वेख के तुसीं दंग रह जाओगे। की ने 5-स्टार सहूलतां आओ वेखदे आ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उन्हां दे वजीरां वल्लों वार वार गल कही जांदी है कि किवें उन्हां वल्लों सूबे दे ज़्यादातर स्कूलों नूं स्मार्ट स्कूल बना दिता गया, किवें बच्चों नूं चंगी सिक्ख्या देण दे लई हर संभव कोशिशां कीतियां जा रहियां ने। सो आओ अज तुहानूं हुशियारपुर लै चलदे आं, अजिहे ही एक स्मार्ट स्कूल की सैर करवाउण अते सरकार दे इन्हां दावियां की हकीकत विखाउण दे लई। यह है हलका चब्बेवाल दे पिंड हेड़ियां दा सरकारी एलीमेंटरी स्कूल, जिसका गेट वेख के ही किसी दे भी मूहों निकलेगा वाह क्या बात है, असी तो अपने बच्चों इत्थे ही पढ़ाउणा है। पर जनाब इस गेट तो अंदर जांदे ही हालात पूरी तरह बदल जाते हैं ते सरकारी दावियां दी असलियत चिराग चो जिन वांग निकल के बाहर आ जाती है। गेट दे अंदर वड़दियां ही वड्डियां वड्डियां झाड़ियां अते भंग दे बूटे ते नाल ही टुट्टे रस्ते तुहाडा स्वागत करदे ने, तुहानू वेलकम किया जांदा है। पंजाबी च इसनू जी आया आखदे ने। हुण गल करदे आं इत्थे बच्चों नू मिलण वाली 5-स्टार सहूलतां दी, जो है तस्वीरां खुद बयान कर रही ने कि किन्नियां कुछ शानदार फैसिलिटीज मिलदियां ने इत्थे बच्चों नू। टुट्टी हुई है कंध तां बच्चों नू बाली ही पसंद आती होनी है, क्यों यह तो तुम आप ही समझ सकते हो, क्योंकि लोगों के न्याणे भी सियाने तो तुम आप भी सियाने। स्कूल की कंध से वड्डे वड्डे अखर च लिखा गया सरकारी एलीमेंटरी स्मार्ट स्कूल, तो ऐसे लिखे स्मार्ट स्कूल के हेठा गंदगी कूड़े का यह ढेर लग्या विखाई देता। तस्वीर दिखा रहे हैं पिंड हेड़िया के एलीमेंटरी स्कूल दिथे कि तुम देख सकते हो कि चाहे एंट्रेंस पेंट करके एक स्मार्ट स्कूल के रूप के उस दीवार नूं दे दित्ती गई है, पर अंदर के हालात देख सकते हो कि टुटिया कंधा माड़े बाथरूम भंग नाल भरिया स्कूल। तुसी तस्वीरां देख सकते हो कि ये तस्वीरां रियलिटी चैक है उन्हां स्मार्ट स्कूलों का, जिहड़ा कि पंजाब सरकार वालों एक दावा किया जाता है कि 4.5 साल के पंजाब के हर स्कूल नूं स्मार्ट स्कूल बना दिता गया है। सो रियलिटी चैक लई आए हाँ पिंड दे विच, और देख सकते हो कि तस्वीरां दे विच जिहड़े स्मार्ट स्कूल हन वो सिर्फ किताबां दे दावे नज़र आ रहे हैं। जदों साडे सहयोगी ने मैंबर पंचायत उषा राणी दे नाल गलबात कीती तां पहलां तों सच्चाई तों भजदे होए नज़र आए, पर बाद च वह खुद ऐ मन्नण नूं मजबूर हो गए कि वाकई यह स्कूल बेहद खस्ता हालत च। जदों ये स्कूल की एंट्रेंस देखिए बाहरली कंध देखिए तो उत्ते रंग किया है, उत्ते बड़ा कुछ दिखाया, आन जाण वाले राहगीर होवे तो वह देखणगे कि वाकई स्मार्ट स्कूल आ, पर अंदर की असलीयत करोना हुण होया करोना हुण चलिया, पर 4.5 साल हो गए सत्ता चाहे कि बच्चों बारे जिहड़े वड्डे वड्डे वादे किए जाते उन्हां दी पोल अज तक खुलदी दिखाई दे रही। इन्हां दी पोल तो हुण जी चलो पूरी पंचायत सहमत होगी असीं जरूर करांगे, पहलां तो ही यह स्कूल जाने कि इदां दे दिस रहा आ। 4.5 साल का समा बहुत वड्डा समा आ, अज तक 4.5 साल च एक एलीमेंटरी स्कूल का ध्यान नहीं आया, हुण जदों आपां आए तां तुहानूं ध्यान आया। इस तो पहलां भी असीं सफाई सुफाई कर चुके हां, आ कंधां जाने कि हर कबारी नहीं सी साडे को ग्रांट आई, हुण साडे को ग्रांट आ चुकी है, हुण असीं बनाने की कोशिश करांगे। जी हाँ इन्हों का कहना है कि करोना काल तो पहला तो ही इस स्कूल की अजिही ही हालत नज़र आती है। पंजाब सरकार लगातार लोगों को अपील करती नज़र आती है कि अपने बच्चों सरकारी स्कूल च पढ़ाओ, पर की पिंड के लोग अपने बच्चों इस स्मार्ट स्कूल च पढ़ाना चाहते ने, लो तुसी खुद ही सुन लो। एक पासे सारे लोग कहिंदे आ भी सरकारी स्कूलों के बच्चे पढ़ाओ, ये जिहड़ा हालात आ जे तुहाडे बच्चे ने स्कूल जाना होवे तां आ सकदा है, तुहानू जो हालात दिखदा पिया नहीं जी नहीं आ सकदे। की चाहुंदे हो भी जिहड़े स्मार्ट स्कूलों का वादा किया गया है उन्हां नू किद्दां पूरा किया जाए? उन्हां नू जण के स्कूल की सफाई करा के और बच्चों थोड़ी जी शिक्षा भी देनी चाहिए आ,
कोशिश करनी चाहिए आ कि बे सानू स्कूल दी सुधार करना चाहिए है। आ हालात देख के लगता है भी इन्हां स्कूलां च बच्चे पढ़ाए जा सकदे? नहीं नहीं इदा नहीं पढ़ा सकते इतने बच्चे, क्यों इतने जब सुधार ही है नहीं, बच्चों कोई सहूलत ही है नहीं, इदा नहीं तो फिर कि बच्चे इतने पहुँचे, आले दुआले कोई सेफ्टी भी है नहीं, फिर कि बच्चे जाके बाहर घूम फिरन स्कूल के बच्चों निकल के बाहर फिरन तो फिर सेफ्टी की है। जिहड़े स्कूलों स्मार्ट स्कूल किया जा रहा है, जिन्हें स्कूलों ये किया जा रहा है कि 100% जिहड़े स्कूल हैं उन्होंने स्मार्ट स्कूल बना दिता गया है, उसके रियलिटी चैक लई जो पिंड हेड़ियां दे विच पहुंचे हाँ तो चाहे वह बच्चों के पानी पीन दियां टैप्स होन चाहे वह बाथरूम होन, तुहानू इस तों बाद बाथरूम के भी हालात दिखावांगे कि जिहड़े स्मार्ट स्कूलों के दावे किए जाते हैं उन्होंने रियलिटी चैक लई जो पिंड हेड़ियां पहुंचे हाँ तो कुछ अजिहियां तस्वीरां सामने आईयां हन जिन्हां दे अनुसार जिहड़े ये स्मार्ट स्कूल सिर्फ किताबी दावे नज़र आते ये सिर्फ स्मार्ट स्कूल जिहड़े हैं बाहरली कंध तो नज़र आता है कि इस नूं स्मार्ट बना दिता गया है पेंट करके सिर्फ, उस तो इलावा ना इन्हां स्कूलों के कोई अजिही सुविधा नज़र आई है जिन्हां की बच्चों का सुधार किया जाए, ना ही कोई सुरक्षा नज़र आ रही है जिहड़ी कि बच्चों इत्थों किसी हादसे तो बचाया जा सके। टुटियां कंधां माड़ी बिल्डिंग अजिहे हालात दे विच इह स्मार्ट स्कूल तुहानू दिखाया है जिहड़ा कि पंजाब सरकार वालों दावा किया जा रहा है कि 100% स्कूलों नू स्मार्ट स्कूल बना दिया गया है, उसके रियलिटी चैक दी तस्वीरां तुहाडे सामने पेश हैं। कैमरा परसन जसीना योगेश कुमार पीटीसी न्यूज़ होशियारपुर। अगली खबर दा रुख करदे हां ते इह खबर वाकई च देश दे सिस्टम ते सवाल खड़े करन वाली है। पुत ने देश दी खातर शहादत दा जाम पीता होवे ते उसदी मां अपने इलाज लई घर वेचण नूं मजबूर हो जावे तां साडियां सरकारां ते सवाल खड़े होने लाजमी बन जांदे ने। कित्थे गई उह जिम्मेवारी, कित्थे ने उह दावे ते कित्थे ने उह वादे जो शहीदां दे परिवार वालियां दे नाल कीते जांदे ने। दरअसल एक खबर निकल के सामने आई है बठिंडा तों जिथे शहीद फौजी की मां कैंसर दे नाल पीड़ित है ते हुण अपना घर वेचण दे लई उह मजबूर हो चुकी है। की है इस मजबूर मां की हड बीती विखाउने आ तुहानूं। विकाऊ है कैंसर पीड़ित माता दे इलाज ले। जिस घर दे बाहर लिखिया होना चाहिदा सी ए घर देश ले शहीद होण वाले फौजी अमरदीप सिंह दा है, उस घर दे बाहर इस तरह दे शब्द कई तरह दे सवाल खड़े कर रहे ने। सवाल उना सरकारा ते सरकार दे मंत्रियां ते प्रशासन ते खड़े हो रहे ने जो वड्डे वड्डे वायदे ते दावे करन दियां डिंगा मारदे ने, पर उना दा असर आम लोकां ते किन्ना पै रिहा इस नूं साबित कर रहियां ने इह तस्वीरां जो बठिंडा दे पिंड महिमा सरजा तों निकल के सामने आईयां ने। तुहाडी टीवी स्क्रीन ते विखाई दे रिहा है इह परिवार जो सरकारां जां कह लवो प्रशासन दी नलायकी दा शिकार हो गया ते अज अपना घर वेचण नूं मजबूर है। हाथ विच शहीद पुत दी फोटो लई बैठी इस औरत नूं वेखो, अखां विच हंजू ने, एक चीज है पुत दे विछोड़े दी ते खुद ओ कैंसर दी मरीज है जो अपना इलाज करवाउण लई मदद दी गुहार लगा रही है, पर किसे पासियों भी मदद ना मिली तां ओ घर नूं हुण विकाऊ कर दित्ता गया। जानना चाहांगे कि सरकारां ने ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਭਰਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਢੂਈ ਦਾਦੀ ਹੈਗਾ, ਢੂਈ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਾਪਾ ਦਾ ਵੀ ਚੂਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ,
कोई ओ नहीं गा, बस घर बकाऊ कर रखे मेरे पापा ने मेरी खातर भी मेरा इलाज हो जाए, क्योंकि मेरा इलाज नहीं हो ही आता, क्योंकि हूँ भी ऑपरेशन दस्या, क्योंकि ऑपरेशन के वास्ते 3 लाख रुपया नहीं है मेरे पापा को, जरा मेरा इलाज करा दो, क्योंकि घर ही बकाऊ करता मेरे पापा ने तो मेरी खातर। एक पास जिथे मां नूं पुत दे विछोड़े दा गम है, तां दूजे पासे सरकारां दी बेरुखी भी उस नूं चिंता विच पा रही है, क्योंकि यह गंभीर बीमारी दिनों दिन वधदी ही जा रही है। बहरहाल इन्हां हालातां नूं वेखण तों बाद कैप्टन सरकार ते भी कई सवाल खड़े हो रहे ने, ते कैप्टन साहब तुसी खुद एक फौजी रह चुके हो, जरा इस परिवार वल भी झात मारो, जिहड़ा पुत देश की राखी लिए शहादत का जाम पी गया, अज उसका परिवार अपना घर वेचण नूं मजबूर है, की समझिए इस तो, जा फिर ए समझिए कि सरकारां सिर्फ वायदे ते दावे करन नूं ही ने, उन्हां नूं पूरा करन वाला कोई नहीं। निखिल शर्मा, पीटीसी न्यूज, बठिंडा। अगे वधांगे ते हुण गल इक अजिहे मां पुत दी जो नरक तों वी बदतर, नरक तों वी माड़ी जिंदगी जीण दे लई मजबूर होए पए ने, जिन्हां दे सिर ते हर वेले मौत दा साया मंडरा रिहा है, जो अजिहे हालात च जी रहे ने कि वेख के यकीन कर पाना भी मुश्किल हो जाएगा। खबर गुआंढी सूबे हिमाचल तों निकल के सामने आई, जिथों दे ज्वालामुखी दीआं ऐ तस्वीरां वेख के कई सवाल खड़े हो जांदे ने, सवाल सरकार ते, सवाल प्रशासन ते, सवाल साडे सिस्टम ते। इन्हां तस्वीरां नूं वेखण तों बाद तुसीं ही दसो कि आखर की समझिए, इन्हां तस्वीरां नूं वेखण तों बाद इस गल ते यकीन कर पाना भी मुश्किल है कि कोई किवें अजिहे हालातां च जिंदगी जी सकदा है। दोवें मां पुत हर वेले मौत दे साए हेठ, डर दे साए हेठ जिंदगी जीण दे लई मजबूर हो रहे ने। इह तस्वीरां निकल के सामने आईयां ने भाजपा दे राज वाले हिमाचल प्रदेश दे ज्वालामुखी दे पिंड पटवाल तों, जिथे प्रकाश चंद ते उस दी मां नरक तों वी बदतर जिंदगी जीण दे लई मजबूर हो रहे ने। दरअसल प्रकाश चंद खुद कोई भी कामकार करन तों असमर्थ हन, उन्हां दी मां भी कैंसर दी मरीज है। इह दोवें मां पुत लोकां दे घरां च छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रहे ने। जिस घर च रहिंदे ने उस दी की हालत है, उह तस्वीरां वेख के तुसी खुद ही समझ जावोगे। ए कच्चा मकान कदे भी ठह सकदा है, कदे भी कोई वड्डा हादसा वापर सकदा है। घर दे अंदर दी हालत भी कोई बाली चंगी नहीं, जिथे भी नजर मारो समान खिलरिया नजर आउंदा है, गंदगी दे ढेर लगे नजर आउंदे ने, ते ए दोवें अजिहे हालातां च ही अपने दिन कट्टण दे लई मजबूर हो रहे ने। इन्हां दा कहना है कि इन्ने सालां च किन्नियां ही सरकारां आईयां ते चलियां गईयां, पर कदे किसे ने भी उन्हां दी बाह नहीं फड़ी। मम्मी का ऑपरेशन होया है, कमे पैरों का मरीज है, ब्लड कैंसर आ मम्मी तो मेरी ऐसी स्थिति है, मकान ढहन लगे आ, मैं कमाई नहीं सकता, 2 टाइम की रोटी नहीं है, मकान ढहन लगे आ, और मेरा 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं होती। कोई पंचायती वाले को बोल लिया तो बोलते हैं बाया हो गया अपना, पंचायत वाले बोलते हैं डाला डाला है, 30 साल हो गए कहीं नहीं कीती सी, और समाज प्रदर्शन कर रहे हैं बस, और आगे मकान ढह जाए तो इसका जिम्मेवार कौन है। अज ही गल निकी हुई तो जिम्मेवारी सरकार है। इन्हों का कहना है कि जेकर कल इन्हों कोई हादसा वापरद तो उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। यह बजुर्ग माँ जो अपनी जिंदगी का ज्यादातर पड़ा हंडा चुकी है, अज भी अपने पुत का ख्याल रखन की पूरी कोशिश करती है, करे भी क्यों ना, मां तो आखिर मां ही हुंदी है। दिखा जी आहा दा कोई नहीं है, कने आहे पिंड दे रोटियां दिंदे, हां जे सूरत हालत च वेखे आहा डंगर आहे रिया दे, आहा दा कोई नहीं है, कने आहा गरीबियां कट्टा दी डंगर आहे रिया दे, आहां दी जड़ी आहत है तो आहां दी किसा कसे आए, आहां दा क्या डर जाए,
दिखा जी आने मकान डैना लगे बोलना मरी जान रोशनी देवी नाम दी इस महिला दा कहना है कि इन्हां दा इस दुनिया च कोई भी नहीं। पिंड दे लोक जेकर दो वक्त दी रोटी दे देन तां खाना नसीब हो जांदा, नहीं तां भुखे ढिड ही सोना पैंदा। मकान टैण वाला है, किसी भी समय कोई वड्डा हादसा वापर सकदा है। कुछ समाज सेवी अते कुछ पिंड दे लोक इस परिवार की मदद करन च रुझे हुए ने। सरकार तो यही मंग की जा रही है कि इस परिवार की मदद की जाए, इन्हां नूं एक पक्का मकान दिता जाए ता जो यह मां पुत इस नरक चो बाहर आ सकन, एक चंगी जिंदगी जी सकन। पीटीसी न्यूज़ लई ज्वालामुखी तो पंकज शर्मा की रिपोर्ट।